नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5 इंच का वॉइस कॉइल बनाने जा रहे हैं। ये 5 इंच का वॉइस कॉइल का वीडियो अभी तक यूट्यूब में हमने नहीं देखा है किसी को बनाते हुए, तो वीडियो आप पूरा देखिए। अगर स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको हर एक मिनट में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये 5 इंच का वॉइस कॉइल का हम इन आउट वीडियो बनाएंगे, इसका फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। इन आउट बनाने के लिए आपको इसमें पेपर कितने एमएम का लगेगा, वायर कितने एमएम का लगेगा, कितना टर्न लगेगा, वर्नियर से माप करके हम आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चेपी पेपर है जो हमने फ्लैक्स पेपर लिया है, बट चेपी पेपर का साइज़ हमारे कॉइल से बड़ा है, तो हम एक 10 नंबर की सीट डाल करके हम अपने डाई का एक्सटेंशन कर ले रहे हैं। आप भी यहाँ देख लीजिए, अगर आपके डाई से कॉइल बड़ा बन जाता हो तो आप इस प्रकार एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ये हम 10 mm का चेपी पेपर लिए हैं, ये फ्लैक्स पेपर है और 10 mm का है, 10 मील का है, तो काफ़ी जाड़ा होता है। और 5 इंच वाइस कॉइल के लिए चूंकि हमारा कॉइल काफ़ी बड़ा है तो आपको थोड़ा जाड़ा ही चेपी पेपर और कॉइल पेपर भी लेना होगा। ये कॉइल हम एरालाइट से बनाएंगे। एरालाइट दो ट्यूब में आता है, एक सफ़ेद होता है, एक लाइट ग्रे होता है, दोनों इक्वल मात्रा में हम मिला करके मिक्स कर ले रहे हैं। दोस्तों, एरालाइट जब आप मिक्स करेंगे तो ये एकदम पूरा वाइट हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका एरालाइट परफेक्ट मिक्स हो गया है। लेकिन जब आप कॉइल बनाएंगे तो हम आपको एक चीज़ यहाँ और बताएंगे कि एरालाइट का कलर कैसा होना चाहिए कॉइल पकते टाइम। जब भी हम पकाएंगे उस टाइम हम आपको इसका डिटेल्स बताएंगे। तो ये एरालाइट हमारा बन गया है, चेपी पेपर भी लग गया है, तो हम एरालाइट को चेपी पेपर के ऊपर पूरा फैला ले रहे हैं। चेपी पेपर पे या कॉइल पेपर पे हम लोगों को देखते हैं ब्रश से या पेंट करने वाले ब्रश से या माउथ वाले ब्रश से लगाने के लिए, बट ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसमें कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं लगता है और एक इक्वल मात्रा में पूरे पेपर में एरालाइट फैल जाता है। तो दोस्तों, ये 10 नंबर या 7 नंबर की जो पीवीसी सीट है उससे लगाना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम 27 गेज डीसी वायर यूज़ कर रहे हैं, डीसी वायर मिलन का यूज़ कर रहे हैं। कभी भी आप कॉइल बनाने के लिए डीसी वायर ही यूज़ कीजिए, और अगर मिलन या बीआईसी का हो तो सबसे बेहतर है। इंडियन अवेलेबल वायर में मिलन या बीआईसी से बेहतर वायर नहीं है। बहुत सारे लोग ब्लैक कलर का वायर को भी बोलते हैं, बट ब्लैक कलर का वायर का भी हीटिंग टेम्परेचर बोलने के लिए ज़्यादा होता है, बट मिलन के वायर से बेहतर इंडियन अवेलेबल वायर कोई भी नहीं है। और मिलन का वायर आपको लूज़ में नहीं मिलेगा, वो आपको पूरा बंडल लेना होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े मोटर्स बनता है, जो बड़ा बड़ा आर्मेचर बनता है, मिलन का टोटल वायर वहाँ जाता है। और मिलन का वायर लोकल मार्केट में नहीं मिलने के पीछे रीज़न ये है कि वो अदर वायर से 250 से 300 रुपये केजी महंगा होता है, तो कोई लेना नहीं चाहते। तो ये देखिए, हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है एक टर्न। तो हमारा चेपी पेपर में अगर कहीं पे गैप है तो इस प्रकार आप भी उसको कॉइल और चेपी पेपर के बीच में सेट कर सकते हैं। ये हमारा पुराना कॉइल है, ये हमारा जो है पावर एक्स ऑडियो का है, 1500 वाट का कॉइल है, 24.7 mm का ये इसका पुराना कॉइल है, आप देख सकते हैं। लगभग 25 mm का कॉइल हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपने बनाए हुए वायर को भी माप लेते हैं, कॉइल को। तो ये देखिए, ये लगभग 25.8 mm है। तो कभी भी आप कॉइल बनाएंगे तो 1 या 2 mm आपका कॉइल बढ़ जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब कॉइल हम लपेटते हैं वायर, तो टर्न तो सेम लपेटते हैं लेकिन जो मशीन में लपेटा जाता है तो एकदम परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे कहीं कहीं 0.1 या कुछ मतलब mm गैप रह जाता है, जिससे कॉइल आपका 1 या 1.5 mm बढ़ जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस वाइंडिंग वायर के ऊपर में पूरा हम एरालाइट लगा दिए हैं, और ये देखिए हम इसको टिल पेपर पर बना रहे हैं। ये 7 नंबर का टिल पेपर है। कॉइल बनाने के लिए टिल पेपर से अच्छा कोई भी पेपर नहीं है, सबसे महंगा पेपर आता है, लगभग दिल्ली में ये 6000 रुपये किलो मिल जाता है। तो कॉइल पेपर में सबसे महंगा पेपर टिल पेपर आता है, और 5 इंच और 6 इंच के लिए आप टिल पेपर पे ही कॉइल बनाएं। 4 इंच का वाइस कॉइल आपका कैप्टन पेपर पे बन जाएगा, बट भूल करके भी आप 5 इंच के कॉइल कैप्टन पेपर पे मत बनाइए, आप टिल पेपर मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है। तो टिल पेपर के अंदर पूरा मेरा लाइट लगा दिए थे, और इसको हम वाइंडिंग के ऊपर पे हम पूरा लपेट करके हम इनर का जो वायर है वो भी देखिए हम निकाल ले रहे हैं। ये जो हमारा अंदर का छेड़े का वायर निकल गया, अब इसको हम एक पीवीसी टेप से हम पूरा चिपका दे रहे हैं। पीवीसी टेप से चिपकाने के पीछे रीज़न वही है कि ये खींच के रखता है और अंदर का जो अपना चेपी पेपर है उसमें अच्छे से चिपका के रखता है। तो ये अब हम देखिए इसको सेट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक मास्किंग टेप भी चिपका देंगे, उससे क्या होगा कि ये ज़रा सा भी लूज़ नहीं होगा, और जब हम हीटिंग करेंगे तो पीवीसी टेप कभी कभी गर्म होकर के फट जाता है, तो उस टाइम पे कॉइल लूज होने लगता है। तो उस टाइम पे ये मास्किंग टेप जो है वो आपको एकदम परफेक्ट कॉइल को पकड़ के रखेगा। अब हम बाहर के लेयर जो अपना टिल पेपर का जो बाहर का लेयर है उस पर हम एरालाइट पूरा लगा दे रहे हैं।
अब हमारा आउटर जो है यहाँ से वाइंडिंग चालू होगा। तो अब ये देखिए हम वायर निकाल दिए हैं और यहाँ पे हमारा पेपर का जॉइंट है वहीं से हम कॉइल को बाहर निकालेंगे और एकदम धीरे धीरे हाथों से नीचे का जो यहाँ पे हमारा टर्न आया है उसी के ऊपर हम एक टर्न करेंगे और उसके बाद फिर हम फास्ट करते हुए पूरा टर्न फैलाते चले जाएंगे। तो ये लगभग दोस्तों 55 से 56 टर्न होता है और 8 ओम्स परफेक्ट बनता है। आप अगर पुराना कॉइल आपके पास हो तो आप उसके टर्न और गेज गिन करके और माप करके बनाएंगे तो आपका कॉइल एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम वीक में 1 या 2 वीडियो लेकर आते हैं जो ट्यूटोरियल वीडियो होता है और हम अपना पूरा 25 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं हम कि हमारी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हम बारीक से बारीक चीज़ बताते हैं। तो प्लीज़ आप बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा तो आपको हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी ही दोस्तों हम 6 इंच का भी वॉइस कॉइल का वीडियो डालेंगे। 6 इंच का वॉइस कॉइल का वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। और ये देखिए अगर कहीं पे आपका वायर फैल गया है या कहीं पे थोड़ा सा बिखर गया है तो आप सुई से उसको सेट कर सकते हैं और एक बार अंदर वाले टर्न को सुई से ज़रूर सेट कर दीजिएगा क्योंकि अंदर वाला टर्न कभी कभी फैल जाता है तो बाहर निकल के आ जाता है। जब सुई से आप उसको सेट करेंगे तो वापस चिपक जाएगा। अब हम इस पे जो है सो एक सुई की सहायता से जो बाहर का टर्न है उसको सेट कर दे रहे हैं। जो हमारा इनर वायर निकला है वो भी और आउटर वायर निकला है वो भी एक ही जगह पे आ करके चिपक जाएगा और फिर वहाँ उसके ऊपर हम एरा लाइट लगा करके फिर इसको हीटिंग करेंगे। देखिए एरा लाइट हमारा यहाँ अभी भी जो है वाइट कलर का है। हमने आपको पहले बताया था कि जब एरा लाइट वाइट कलर हो जाएगा मिक्स करते हुए तो एकदम परफेक्ट मिक्सिंग होता है। लेकिन अब यहाँ आगे हम आपको बताने जा रहे हो, ध्यान से सुनिए कि जब एरा लाइट आपका वाइट कलर से जब गर्म करेंगे तो ये पानी के कलर का हो जाएगा तो परफेक्ट पक करके एकदम पत्थर के जैसा पकड़ेगा। तो ये देखिए हम हीट गन से हल्का हल्का इसको हीट कर दे रहे हैं और वो अपना कलर छोड़ते चला जा रहा है। पूरा कलर छोड़ देगा तो फिर हम वापस 7 नंबर की सीट से इसको चिकना करेंगे। तो ये देखिए लगभग कलर चेंज हो गया। हम वापस से इसको 7 नंबर की सीट से घुमा दे रहे हैं और हमारा एरा लाइट जहाँ कम ज़्यादा होगा वो यहाँ पे एकदम एडजस्ट हो जाएगा और फिर इसको हम हल्का गर्म करेंगे। जब इसको हम हल्का गर्म करेंगे तो ये एकदम पानी के कलर में हो जाएगा। फिर जब हम इसको भट्टी में रखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट पकेगा। तो ये बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एरा लाइट आप बनाइएगा एरा लाइट तो वो वाइट कलर का हो जाना चाहिए तो मिक्सिंग परफेक्ट होता है और जब आप उसको भट्टी में डालिएगा तो वो एकदम पानी कलर का हो जाना चाहिए। ये चेपी पेपर पे जो हमारा एक्स्ट्रा एरा लाइट आया हुआ था उसको हम यहाँ से हटा दिए हैं कपड़े से पोंछ करके और इस कॉइल पे वापस से हम 7 नंबर की पीवीसी सीट से इसको एकदम चिकना कर ले रहे हैं। अब ये देखिए एकदम स्मूथली फैल गया है और कलर भी एरा लाइट का चेंज हो गया है। तो अब हम इसको भट्टी में डाल देंगे। दोस्तों आज हम टेम्परेचर मीटर लेकर आए हैं तो हम आपको भट्टी का टेम्परेचर बताएंगे। अभी पहले बाहर का हम टेम्परेचर बताएंगे। ये देखिए कॉइल एकदम परफेक्ट बना है। हम भट्टी के अंदर डाल करके और 200 वाट का बल्ब हम जलाते हैं वो हम जला दिए हैं और ये देखिए टेम्परेचर मीटर का जो थर्मोस्टेट था उसको हम जस्ट मीटर के अपने कॉइल के ऊपर रख दिए हैं। तो अभी यहाँ का टेम्परेचर 33 डिग्री है। कुछ टाइम के बाद देखिए बढ़ करके ये 35 डिग्री हो गया। अब अंदर हीट जैसे जैसे बढ़ेगा इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जब 5 मिनट होने को आया तो लगभग ये देखिए 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया है। अभी भी पट पूरी तरीके से पका नहीं है तो अभी इसको 10 मिनट और हम पकाएंगे। 10 मिनट होने को आया तो देखिए 84 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट पक गया है। तो अब हम निकाल करके मशीन पर रख दिए ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो गया है अब ये कॉइल। तो अब हमारा सबसे पहले इसका जो है सो टेक्स्चर देखिए आप कितना प्यारा बना हुआ है। अब इसको जो है सो आप जो हमने एक्स्ट्रा सीट डाला था वो हम एक पकड़ की सहायता से निकाल दे रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा सीट आप नहीं डालिएगा तो कॉइल आपका जाम हो जाएगा और जल्दी निकलेगा नहीं। तो ये जब हम एक्स्ट्रा सीट निकाल देंगे तो हमारा पीवीसी जो लगाया हुआ है लूज हो जाता है और डाई से कॉइल आसानी से निकल जाता है। बट यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा सीट आप डालते हैं वो पूरे लेयर में डालिएगा नहीं तो एक साइड कॉइल पतला एक साइड जाड़ा हो जाएगा। ये हमारा एक्सटेंशन जो पट्टी था हमने उसको निकाल दिया है और जो हमारा डाई बनाए थे वो सीट भी अब हम निकाल दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सीट डाई का जो है वो निकल गया है। कॉइल एकदम परफेक्ट पक करके बना है और एकदम कितना स्मूथ बना है, कितना प्यारा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। अब हमारा जो अंदर जो हमने चेपी पेपर चिपकाने के लिए मास्किंग टेप लगाया था उसको भी निकाल दिए हैं
अब इसके ऊपर हम चेपी पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पे हम जो बाहर का लेयर है उसको निकालेंगे, जो हमने चेपी अपना मास्किंग टेप लगाया है वो। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंदर पीवीसी का एक रोल डालेंगे, जिससे हम जब ऊपर से कॉइल को प्रेस करेंगे तो बैंड ना हो। तो ये लगभग 10 mm का जो रोल है वो हम 4 या 5 मीटर का हम रोल रखे हैं। इसको हम अंदर डाल करके ये देखिए पेस्टिंग कर दिए, तो ये सपोर्ट करेगा कॉइल का। अब हम मास्किंग टेप निकाल देंगे और फिर साथ में रेड जो पीवीसी टेप था उसको भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा जो बाहर पीवीसी टेप था निकल गया है। अब हम इसके छेड़े निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इनर वायर है वो जब निकलेगा और जो आउटर वायर है वो दोनों निकलेगा। तो इनर वायर जो है ये ज्वाइंट वाली जगह से, ये देखिए ये हमारा इनर वायर है निकल गया, और ये आउटर वायर है इसको हम घुमा करके फिर उसके क्रॉस करके फिर निकालेंगे। तो जो इनर वायर है वो संभवतः हर स्पीकर में प्लस होता है और बाहर का जो वायर है वो माइनस होता है। किसी भी ब्रांडेड स्पीकर में अगर आपका स्पीकर ब्रांडेड है तो ये इनर वाला वायर आपका प्लस ही होगा। हाँ, असेंबल स्पीकर में कभी कभी पोलरिटी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा जो बाहर का आउटर लेयर है ये माइनस होगा और इनर का जो वायर है वो प्लस होगा। ये दोनों निकल गया है। अब चूंकि इसको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फेवी बॉन्ड से इसको चिपका देते हैं, बट नहीं दोस्तों, हम जब वायर को पेस्टिंग करते हैं तो देखिए एरालाइट से पूरा कॉइल पेस्टिंग हुआ है, बाहर भी जो लीड वायर निकलेगा वो भी एरालाइट से पेस्टिंग हुआ, बस यहीं पे फेवी बॉन्ड लगता है। तो फेवी बॉन्ड यहाँ लगा देने से क्या होता है, यहाँ पे वायर कमज़ोर रह जाता है क्योंकि वो पेस्टिंग नहीं हुआ रहता है। तो जब आपका स्पीकर काफ़ी तेज़ बजता है झटके में तो यहाँ से कॉइल ओपन हो जाता है, एक ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फेवी क्विक लगा दिया। फेवी क्विक लगा देने के बाद क्या, 2 मिनट में वो सूख जाता है और कॉइल को भी एक बाउंडेशन दे देता है ऊपर से। अब इसके ऊपर हम स्पेप 7 लगा करके पूरा एक स्पंज की पट्टी से फैला ले रहे हैं। ये देखिए हमारा जो लीड वायर है अपना, सॉरी लीड वायर नहीं, अपना कॉइल का जो वायर निकला हुआ है वो एकदम परफेक्ट चिपक गया है फेवी अपना फेवी क्विक से। फेवी क्विक का सिर्फ यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बाकी और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। और स्पेप 7 से हम इसको पूरा फैला ले रहे हैं। हम चेपी पेपर में पहले से ही स्पेप 7 लगा के रखे थे ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप भी चेपी पेपर में स्पेप 7 पहले से लगा के रखिए या बाद में भी लगा सकते हैं, बट वीडियो लंबा ना होने के लिए हम स्पेप 7 जो है चेपी पेपर में पहले से लगा दिए थे। वो सूख चुका है, अब ये थोड़े टाइम में 2 मिनट में सूख जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लैक चेपी पेपर, इसमें हम स्पेप 7 लगा करके रखे थे और कॉइल का भी लगभग स्पेप 7 सूख गया है। तो अब हम यहाँ पे कॉइल लगाएंगे। इस कॉइल आपको अपना चेपी पेपर आपको कॉइल के एकदम लास्ट लेयर से टच करते हुए लगाना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे आपका कॉइल का वायर निकलता है, इनपुट जो वायर है, वहाँ पे आप नाखून से दबा दीजिए और पूरा घुमा करके चेपी पेपर अच्छे से खींच करके चिपका दीजिए। एवं एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको आप कैंची से काट दीजिए। तो ये देखिए हमारा चेपी पेपर लग गया है। अब एक स्क्रू ड्राइवर से इसको पूरा जो है सो चिपका दीजिए, प्रेस कर दीजिए। तो जहाँ पर भी अगर अच्छे से चिपका नहीं होगा वहाँ पे स्पेप 7 एकदम अच्छे से चिपक जाएगा और कभी भी आपका कॉइल से चेपी छोड़ेगा नहीं। जब आपका कॉइल बजेगा तो पेपर और स्पाइडर इसी चेपी पेपर पे जाम होते हैं, तो अगर चेपी पेपर आपका छोड़ देगा तो कॉइल फ्री हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे तो चेपी पेपर कभी भी आपके कॉइल को छोड़ेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा चेपी पेपर लग गया है, कॉइल हमारा रेडी हो गया है। दोस्तों अब हम इनर जो हम पेस्टिंग किए थे उसको निकाल देते हैं। ये 5 इंच का कॉइल 1500 वाट का कॉइल है, ये 1500 वाट से लेकर के 1800 वाट माना जाता है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा चेपी पेपर था और अपना जो इनर पेस्टिंग चेपी पेपर था वो बड़ा हुआ था, उसको हम कैंची से काट दे रहे हैं। तो ये आपका जो कॉइल है 1400 वाट 1500 वाट 1800 वाट तक में चलेगा। ये PD में भी लगेगा, पावर एक्स में भी लगेगा। ये देखिए 27.2 का है और ये 25.4 mm का हमारा कॉइल है। ये आप एरोंस 5 इंच में लगा सकते हैं। ये VCC का होल हम बना रहे हैं दोस्तों। VCC होल से क्या होता है, कॉइल का आउटर जो होता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है और ठंडा होता है। तो ये VCC होल के लिए हम पेपर का जो पंच मशीन होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 इंच का कॉइल का वीडियो रेडी हो गया है, आप भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा कॉइल बना है, एकदम परफेक्ट कॉइल बना है। दोस्तों हम यहाँ आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन वीडियो YouTube पर नहीं डालते हैं, हम आपको सिखाने के लिए वीडियो डालते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है, कॉइल या PCB हमसे ख़रीदने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों हम सेल नहीं करते हैं, हम आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप सीख करके स्वयं बना सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।